कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल ट्रेन संचालन को लेकर पूरा हुआ। आज उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक सहित अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जल्द ही जयपुर मंडल पर CRS अप्रूवल मिलते ही इलेक्ट्रिकल रेलगाड़ी दौड़ेगी। कश्मीर फॉर रेलवे सेफ्टी RK शर्मा द्वारा जयपुर मंडल के दिगावड़ा बंदी कुई और बस्सी कनकपुर सेक्शन का निरीक्षण किया गया। CRS स्पेशल ट्रेन से बंदी कुई स्टेशन पहुँचे और बंदी कुई से दिगावड़ा कुल 33 किलोमीटर में विद्युतीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। सुबह निरीक्षण जयपुर से शुरू होकर कनकपुर गांधीनगर जगतपुरा के स्टेशन होते हुए CRS स्पेशल बस्सी पहुंची। बस्सी में इलेक्ट्रिकल इंजन पहले से तैयार था, जिसे CRS ने पहले बस्सी बंदी कुई दिगावड़ा रूट की डाउन लाइन का इलेक्ट्रिकल इंजन से ट्रायल किया और फिर दिगावड़ा बंदी कुई बस्सी जयपुर कनकपुर रूट की अप लाइन का इलेक्ट्रिकल इंजन से ट्रायल किया। लोको ट्रायल में इलेक्ट्रिकल इंजन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से CRS स्पेशल को लेकर दौड़ा। इस तरह गुरुवार को CRS ने बस्सी जयपुर कानपुर के कुल 117 किलोमीटर में विद्युतीकृत ट्रेन का निरीक्षण किया और दोनों सेक्शनों का इलेक्ट्रिकल लोको स्पीड ट्रायल भी लिया। अब CRS की मंजूरी मिलते ही राजधानी जयपुर में रेलवे गाड़ियां इलेक्ट्रिकल इंजन में चलेंगी। ये जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल है।